भी नहीं किया है, तो आप सीधे सीधे यही कहिए ना कि हमने वैधानिक रूप से किया है। तो कौन सा वैधानिक नियम है, कौन सा संवैधानिक नियम है, संविधान की कौन सी धारा है जो कहती है कि सरकार अपने नागरिकों की, अपने देश के पत्रकारों की, अपने देश के राजनेताओं की, न्यायविदों की जासूसी करवाए, ये कौन सा विधान है, ये भी आप नहीं कह पा रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, हमारे देश में क्रोनोलॉजी एक्सपर्ट हैं हमारे गृहमंत्री जी, उन्होंने कहा क्या क्रोनोलॉजी है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है और ये रिपोर्ट दस उद्घाटन हो रही है। यही वो सज्जन है जो पार्लियामेंट में कहा था इन्होंने कि साहब वो सीएए कानून जो है वो तो उसका क्रोनोलॉजी समझाया था, कि मैं क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं कि अभी सीएए कानून आएगा, उसके बाद एनआरसी लागू होगा, ये सारी बातें ये क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। हम अमित शाह जी से जानना चाहते हैं ये कौन सी क्रोनोलॉजी है कि दैनिक भास्कर पर इसी समय छापे पड़े हैं, ये कौन सी क्रोनोलॉजी है। अगर उस पर कोई आयकर का मामला है, अगर उस पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो पहले से होगा, लेकिन एक समय था कि जब दैनिक भास्कर के रूप को देखते हुए हमारे जैसे लोगों ने उसे पढ़ना भी बंद कर दिया था, तो उस समय तो आपको नहीं समझ में आया क्रोनोलॉजी, क्या साहब ये आयकर में कुछ गड़बड़ी कर रहा, लॉन्ड्रिंग कर रहा है, इस पर छापे पड़ने चाहिए। और सिर्फ भास्कर नहीं, यहां हम लोग एक नाम नहीं ले पा रहे हैं, भारत सरकार इसमें कोई न्यूट्रल आवाज है जो सच को दिखाना चाह रहा है, दिखा रहा है, बेबाकी से दिखा रहा है, उसके संपादक ब्रजेश मिश्र और उसका एक उनके एक रिपोर्टर हैं वीरेंद्र सिंह, उनके यहां भी छापे पड़े हैं। तो छापे तो अभी और पड़ेंगे, मतलब क्रोनोलॉजी यह है कि पहले जासूसी करवाएंगे, उसके बाद छापेमारी होगी, फिर गिरफ्तारी होगी। तो अमित शाह जी, हमारे जैसे लोग तो भाई इमरजेंसी में भी जेल रहे हैं, हमको तो इस बात का कोई डर है नहीं, आपकी जेलें भी हमने देख ली है, कई बार देख ली है, एक बार और देख लेंगे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए जरूर कि इमरजेंसी करने के बाद इंदिरा जी सरकार चली थी, वो खुद हार गई थी, उनके बेटे भी हार गए थे। आज जो माहौल आप बना रहे हैं, आज पूरे देश में जो असंतोष की आग जल रही है, किसान आंदोलित है, बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, कोरोना में लोग मरे, कितनी बेशर्मी की बात है, आप कह दे रहे हैं कि साहब ऑक्सीजन से भी नहीं मरा। अखबारों की कटिंग उठाकर यार पढ़ लो, आप ही के मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हाँ साहब ऑक्सीजन के अभाव में जो मौतें हुई हैं वो दुखदाई हैं। गंगाराम की खबरें थी, उत्तरा हॉस्पिटल की खबरें थी, कितने अस्पतालों की खबरें थी, उसको आप झुठला दे रहे हो। तो खैर ये सब बातें चलेंगी, अभी आने वाले दिन और खतरनाक होंगे। अभी आई है संतोष भारती पर हुआ है, तो हम लोगों ने तो देखा उस काल को, इसलिए हम लोग डरने वरने वाले नहीं हैं। अमित शाह जी आप क्रोनोलॉजी समझाते रहिए, जो आपको करना हो करिए, हम मैदान में हैं, आप जाति करवाइए, चाहे जेल भेजवाइए, कुछ भी करिए, कुछ नहीं है। और कलम एक बार जब चल पड़े तो फिर आप रोक ले, आपकी हैसियत नहीं है, आप खुद ही मिट जाओगे, तो आज तक झुकते नहीं हो। धन्यवाद, थैंक यू। इस चीज को कंडेम करती हूँ कि पत्रकारों के फोन को चाहे जिस भी तरीके से स्नूप किया गया हो, मैं सर्वेलेंस वर्ड भी यूज नहीं कर सकती क्योंकि ज्यादातर हम लोग तो सर्वेलेंस पे हमेशा ही रहते हैं, बट इलीगल तरीके से या जो भी लीगल तरीके से स्नूपिंग की गई है वो वी कंडेम ऑन बिहाफ ऑफ IWBC। हम लोग भारत समाचार और दैनिक भास्कर पे जो इस समय ऑनगोइंग रेड्स चल रहे हैं इनकम टैक्स के, हम उसको भी कंडेम करते हैं। ये तो तमाशा ही बना दिया आपने कि जब भी कोई आपको नाराजगी जाहिर करनी हो या कोई मैसेज देना होता है मीडिया पे तो आप सेडिशन लगा देते हैं, फिर आप इनकम टैक्स रेट लगा देते हैं, फिर आप स्नूपिंग शुरू कर देते हैं। मतलब हम क्रोनोलॉजी समझ गए हैं, बस हो गया। यहाँ बैठ के एक बार मैंने फिजिक्स की एक थ्योरी के बारे में कही थी और आज मैं उसकी दूसरी थ्योरी देती हूँ कि देयर इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, व्हाट गोज अप ऑल्सो कम्स डाउन। तो कुछ भी शाश्वत नहीं है, जो लोग आज सत्ता में हैं और जो इन हरकतों को कर रहे हैं कल को वो भी नीचे उतरेंगे, तो उनकी क्या दुर्गत होगी उन्हें भी सोचना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे पॉलिटिशियंस हो। अगर सरकार कहती है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है किसी भी प्रकार की स्नूपिंग में, तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, आप इंक्वायरी कीजिए किसने किया,
इसी प्रांगण में मैं शाम को जब आती हूँ तो आधे से ज्यादा जगह पे आईबी के लोग बैठे होते हैं, चाहे उनके वो छोटे ऑफिसर्स होते हैं, उनके ज्वाइंट डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, और सब जानते हैं, हम भी उनको पहचानते हैं क्योंकि इस एरिया में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ऐसी क्या कमी रह गई आपके लोगों की सर्विसेज में कि इनको एक सॉफ्टवेयर मंगाना पड़ गया? मतलब बंद कर देना चाहिए आईबी रॉ को, सॉफ्टवेयर से ही काम कर लीजिए। और सबसे ज्यादा हंसी की बात होती है कि मतलब इनका इंटेलिजेंस गैदरिंग भी बड़ा फनी होता है। आप अगर न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स पढ़ लीजिए जर्नलिस्टों के, तो जो वो सोच रहे होते हैं या जिनसे बात कर रहे होते हैं वो तो बहुत क्लियर हो जाता है। आपको अपने सोर्सेज ढूंढने हैं कि कौन हमें इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप अपने सर्विलेंस उन लोगों पर डालिए। बट आप एक कॉमन पर्सन जो सिटीजन है, आप उसके फोन में एक मॉलवेयर डाल के स्टूप करते हैं जो भी कर रहा है। मैं अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमने नहीं किया, वी एक्सेप्ट दैट लॉजिक, बट देन फाइंड आउट हु हैज डन इट। आर वी गोइंग टू बी विक्टिम्स ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर? कोई और देश के टेरिटरी से क्या कोई हम पे अटैक लॉन्च कर रहा है? अगर हम सेफ नहीं है तो फिर आप लोग भी सेफ नहीं है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच हैज टू बी वर्क, गवर्नमेंट शुड वर्क विद अस। इफ इट इज सेइंग कि उनका कोई रोल नहीं है, देन एक्सेप्ट इट, ठीक है आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन चलिए आप हमारे साथ मिलकर बताइए कि किसने केस की जड़ पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। मुझे बहुत जेलसी है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, फिर भी एनीवे फर्स्ट मैं अंग्रेजी में शुरू करता हूँ, फिर बाद में देखते हैं। जबकि अभ्यास मैंने जब मैं मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं ये। सबसे पहले आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन Pegasus, its government use of Pegasus, and other type forms of surveillance. क्योंकि surveillance तो हमेशा से नहीं है। मैं आपको अपने एक अपनी पर्सनल उदाहरण लूँगा हिंदुस्तान की। 1966 में मैं बाहर पढ़ के और थोड़े दिन वहाँ काम करके मैं लौट के आया हिंदुस्तान, और मैं अपने पिताजी के साथ रहता था उस वक्त, और वो गवर्नमेंट में बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट थे। एक दिन कंप्लीटली इनोसेंटली किसी छोटे से बात में इनविटेशन को रिप्लाई करने के लिए कुछ पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी, पाकिस्तान हाई कमिश्नर की फर्स्ट सेक्रेटरी को मैंने इनके घर से ही फ़ोन किया कुछ कहने के लिए। मेरे पिताजी नज़दीकी में थे, उन्होंने सुना कि पाकिस्तान एम्बेसी को यहाँ से फ़ोन कर रहे हो, हमारे घर से, किस घर से? तो मैंने कहा कि इसमें क्या खराबी है, बस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन छोटी सी चीज़ है, दो मिनट बात किए। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, जर्नलिस्ट बन गए हो, कि एवरी सीनियर सिविल सर्वेंट फोन इज टैप्ड। आई वाज शॉक्ड। इसीलिए टैप्ड है, ये हमेशा है, सब जगह है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम सीनियर हैं, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद 3 साल तक जब मैं उनको घर छोड़ के अपने घर अपना घर दिया मैंने, मेरा फोन टैप था, और टैपिंग इतना बुरा हुआ करता था उस जमाने में कि जबकि आप फोन उठाते थे तो 1 सेकंड के बाद एक पिंग सी आवाज आती थी छोटी सी, और इसका कुछ मतलब नहीं था क्योंकि बहुत प्रॉब्लम फोन बड़े रद्दी थे उस वक्त। पर ये हमेशा जो पिंग आने लगी, तो मैंने और दोस्तों से पूछा ये क्या है, तो कहा कि मेरे में भी हो रहा है। तो वी जर्नलिस्ट आर ऑल्सो बींग टैप्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। इन माई केस बिकॉज आई हैड अ मेन फोन, made a phone call from my father's house to the foreign office. About the same time, my servants told me, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ लोग आए थे और पूछे थे हमें, एक डॉक्टर था, कि आप किन किन से प्रेम शंकर झाजी से मिलते हैं, कौन आते हैं, उनका आप लिस्ट रखिए और बताइए कितना खर्चा करते हैं और कितनी इनकी आमदनी है। तो जब सब नौकर ने मुझे बताया तो मैंने कहा भाई पूरी खुली आम बोल दो, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जितना जो बोलना चाहते हो सब बोल दो। मैं हंसा क्योंकि आई वॉज श्योर देन दैट द गवर्नमेंट वुड नॉट वॉज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, बट वुड नॉट विद द पर्पज ऑफ विक्टिमाइजिंग मी। इट वॉज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, मे बी टू मच इन्फॉर्मेशन, टू मच इंटरवेंशन, टू मच प्रोबिंग इन टू योर पर्सनल अफेयर्स। But it was doing it for, it is prescribed, a purpose prescribed by law, which is the security information. उसमें वो बहुत ठीक था। अब फर्क अभी ये है कि दो फर्क हो गए हैं। एक तरह की as the methods of
avoiding, you know, as telephony has become more sophisticated, and as people have begun to use encryption in telephones and on their computers, the methods of surveillance have become more and more sophisticated also. Pegasus is the last step in this, and its main reason for its existence is the rise of WhatsApp and other similar encryption programs for mobile telephony. और इसका असर सबसे बुरा है, क्योंकि उस जमाने में 1967 में शायद दो हिंदुस्तान में 200 लोगों में एक फोन हुआ करता था, आजकल 100 लोगों में 85 लोगों के पास फोन है. सो इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सैवेज इंट्रूजन इनटू पीपल्स पर्सनल लाइव्स, टोटल ओवरसाइट लाइक जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 हैज बिकम वेरी रियल. और हिंदुस्तान में दिस likelihood that this will be abused for the purposes of this government staying in power at any cost are much greater than anywhere else. In fact, they are very great indeed. Is pe main zyada nahi kahunga kyunki Pravinjo has spoken, Venu has spoken, Mrinal has spoken. I will remind you that Dainik Bhaskar, which Mrinal described at length, after its brief spurt of independence, has had 35 raids on it. 35. I'll just repeat that also. This is typical. The fact that there are 40 journalists in the list of people who are under Pegasus, as far as we've found them so far, is also an indication of the importance that the government attaches to controlling public thought. But it goes beyond that. If you look at the people who are the spread of people, अगर आप देखें, देर आर सुप्रीम कोर्ट जजेस, देर आर मिनिस्टर्स ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट, देर आर ऑपोजिशन लीडर्स, देर आर एड्स टू जजेस, देर आर एड्स टू मिनिस्टर्स, देर आर ऑफकोर्स एन ह्यूज नंबर ऑफ जजेस. So there's only one common thing that binds all this altogether. The purpose of this espionage is to find ways of crushing opposition and crushing dissent. Civil society workers and journalists have been disproportionately attacked, targeted in order to crush dissent, and it is only one more part of an entire packet of measures that the government has taken to deprive us of our right to dissent, including the amendment of the Unlawful Activities Prevention Act. Iske bare what you have talked, when you have talked, and you have seen what is happening. People are in jail and have been kept in jail for years. The Bhima Koregaon is a classic example of this. It's the worst possible example, and it is that the purpose is revealed, or Pegasus is revealed more by the insertion of fake documents into the computers of the people now in jail for the Bhima Koregaon alleged conspiracy than it is by the Pegasus itself. If you want to know what Pegasus will be used for, look at Bhima Koregaon. The purpose is the crushing of dissent and the perpetuation of the rule of this particular form of BJP. Remember, there has been another form under Vajpayee also, and I hope one day we'll go back to it. But this particular avatar of the BJP, I would like to conclude by saying one more thing, if I can remember what it is. Please, give me a moment. Why crushing of dissent, and why is this so important? Why is it such a great danger, and why is it that we all have to fight it together? The political opposition, the journalists, all of us. The answer is because without dissent there can be no democracy. Isaiah Berlin, who was a great political philosopher, and gave a seminar course at Oxford that I attended in 1958. He once asked us, define democracy, and all of us gave different answers. And eventually he said, look, all this is fine,
I agree with some, I don't agree with some, particularly the Marxists who like to define it in the Hegelian way, which is very different from the liberal way. And he said there is only one thing. Democracy is when people agree to replace the bullet with the ballot. But people will only use the ballot in place of the bullet if they are allowed the freedom of dissent with existing policies. If that is crushed, democracy will die, and if democracy dies in India, India will not survive. We will not survive as one nation. The threat today is to the entire nation and to its future. It's not democracy only at stake. It's not only journalists who are at stake. It is the future of India at stake. I want to end with that. Thank you very much. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।